हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी जोन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप पॉलिटेक्निक के हैं या फिर आईटीआई के हैं या फिर अदर कोई भी कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है अगर अपना आप स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन के लिए यानी स्कॉलरशिप का पूरा फॉर्म फिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के पास जो डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं और उनको इन डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण से वह इन डॉक्यूमेंट को नहीं बनवा पाते हैं और स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसे नहीं भर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर दिया है यानी रजिस्ट्रेशन कर लिया है या फिर भी करने वाले हैं, तो आप जो है इन डॉक्यूमेंट को जानना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे, तब तक आप जो स्कॉलरशिप का फाइनल सबमिट जो होता है, आप उस फाइनल सबमिट को नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कि छात्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंक पत्र। जी हाँ दोस्तों, शैक्षिक योग्यता का अर्थ है, जैसा कि आप मान लीजिए इस साल पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में हैं, तो आपने जब फर्स्ट ईयर को पास किया है तो आपका पूरा फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वह लगेगा। अगर आप जो है पॉलिटेक्निक के थर्ड ईयर में हैं तो आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट लगेगा। अगर आप पॉलिटेक्निक में नए एडमिशन लिए हैं तो आपका जो है क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट लगेगा, या फिर अगर आप क्लास टेंथ पर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपका क्लास टेंथ का भी रिजल्ट लगेगा। योग्यता का अर्थ आपके पिछले साल के रिजल्ट से दोस्तों, यानी आपका रिजल्ट लगेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा वह यह लगेगा, जाति या आय प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, यानी आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा और आय प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल स्टूडेंट के जाति प्रमाण पत्र नहीं होते हैं, तो जनरल के तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेंगे। अगर आप ओबीसी से हैं या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके जाति प्रमाण पत्र भी लगेंगे। तो आप जो है अपना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जो है पिछले साल के रिजल्ट को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर तीन डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और दोस्तों, आगे भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, जैसा कि आपके पास आगे बैंक पासबुक होना चाहिए, यानी जिस भी बैंक में आपका खाता है उस खाते का आपके पास पासबुक होना चाहिए। चार डॉक्यूमेंट हो चुका। अब देखिए दोस्तों, और आगे बताया गया है कि शिक्षण संस्थान में जमा की गई शुल्क की रसीद। यहाँ दोस्तों, जहाँ भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस भी कॉलेज से आप, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो, तो आपको वहाँ पर जब अपने अपना फीस को, यानी जब आपने अपना एडमिशन कराया है, जब आपने फीस पेमेंट किया है, तो उसकी आपको कॉलेज द्वारा एक रसीद दी जाएगी। वह रसीद भी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों उस रसीद में जो है रसीद क्रमांक नंबर होता है वो, जिसे आपको फिल करना होता है। रसीद नहीं रहेगा तो आप जो है अपना स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसे नहीं भर पाएंगे। दोस्तों, और इसके आगे बताया गया है, और पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क धनराशि। जी हाँ दोस्तों, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क धनराशि का दोस्तों अर्थ यहाँ पर यह है दोस्तों, यानी आपका पाठ्यक्रम में जो है पूरा कितना फीस लग रहा है और नॉन रिफंडेबल यानी कि वापस नहीं किया जाएगा, कितना फीस आपका वापस नहीं किया जाएगा, इसकी जो जानकारी दोस्तों आप लिए नहीं होगी, मुझे भी नहीं है। यह जानकारी जो है आप अपने कॉलेज में जाइए, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, चेक कॉपी आती है दोस्तों, चेक कॉपी इसलिए निकाली जाती है, आप उसे ले जाके कॉलेज में चेक करवाएंगे, क्या जो मैंने भी ऑप्शन सब ऑप्शन फिल किए हैं, क्या यह सही हैं या फिर गलत हैं। आपने कॉलेज में जाके किसी भी टीचर को या फिर प्रिंसिपल को दिखाएंगे तो वे आप देखेंगे उसको, अगर कोई भी त्रुटि होगी, कोई भी गलती होगी तो वे इस पर टिक कर देंगे। दोस्तों, अगला जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपका, वह वर्तमान विश्वविद्यालय या बोर्ड का अपना पंजीयन क्रमांक लगेगा होगा। जैसे कि दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपका जो बोर्ड है वह आपका BTUP यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश है, तो आपका पंजीयन क्रमांक दोस्तों यानी इनरोलमेंट नंबर पूछ रहा है, तो आपको वहाँ पर इनरोलमेंट नंबर भी फिल करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगला चीज़ आपका कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार नंबर लगेगा, यानी आपका आधार कार्ड का नंबर क्या है वह लगेगा। और दोस्तों, और इसके आगे अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख अपने पास एकत्रित कर, आपको अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म पूरा अच्छे से फिल करना है। और अगर आप अपना स्कॉलरशिप को पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आपके पास जो भी हमने अभी डॉक्यूमेंट बताए ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और बिल्कुल रियल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये नहीं किसी की एक्सपायरी डेट हो चुकी है, किसी कोई डॉक्यूमेंट गलत है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। ये जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताया, ये डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल रूप में होने चाहिए और बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, अगले वीडियो हम आपको बताएंगे जो या इस बार नए साल में आधार के संबंध में जो भी अपडेट लाए गए हैं गवर्नमेंट सरकार द्वारा, बहुत सारे स्टूडेंट को भी इसके बारे में क्लियरली नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जो आधार कार्ड संबंधी अपडेट जो आए हैं सरकार द्वारा स्कॉलरशिप के संबंध में, वह क्या है, उसके बारे में क्लियरली आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, लाइक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक से। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।